हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। आज हम क्रिसमस के लिए वीडियो बनाने वाले हैं, जो हमारा आज काम स्टार्ट होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, ये मेरा पुराना आर्ट वर्क जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर सिखाया हुआ है, आप लोग बना सकते हैं। तो एक मेरी पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो ये वाली जो मेरी पेंटिंग है, टेक्स्चर पेंटिंग, ये मेरी 4 फिट की पेंटिंग है जो मैंने 2009 में बनाई थी और ये मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगी ये? मैं अपना आर्ट वर्क आप लोगों को धीरे धीरे दिखाया करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले किस किस तरह का आर्ट वर्क मैं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं। यहाँ पर मैंने केक का खाली बॉक्स लिया है, जो ईजिली सभी लोगों को मिल जाएगा। इसमें से हम जो भी हमने डिज़ाइन बनाने हैं वो हम कटिंग कर लेंगे। मैंने सांतेक कटिंग की है, बेल कटिंग किए हैं और ये हमने कैंडल बनाई है। तो ये सारी कटिंग करके इनको हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है वो शायद आप लोगों को इजी से ना दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा क्ले वर्क भी करेंगे, तो इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। क्ले के लिए मैं यहाँ पर मोल्डेड का यूज़ करूँगी, क्योंकि वो सब लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये दोनों पार्ट को मिक्स कर लिया है, तो इसको ज़्यादा 3D नहीं करूँगी मैं, बहुत ही हल्का सा इसको उठाऊँगी। सिर्फ इतना कि हम लोगों को थोड़ा इसका जो टेक्सचर है वो हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं लीव्स बना रही हूँ, तो छोटी छोटी लीव्स बना के इसके ऊपर हम डिज़ाइन भी करेंगे। तो वो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा किस किस तरीके से किया है। प्रोजेक्ट छोटा बन रही हो, लेकिन बहुत खूबसूरत बनने वाला है, क्योंकि हर चीज़ बहुत बड़ी नहीं बनाई जाती। क्योंकि अगर आप स्कूल के प्रोजेक्ट में भी इसको बना के ले जाओगे तो आपको छोटा सा ही बनाना होता है। और इसमें मैंने मोल्डेड का इसलिए यूज़ किया है, हर शॉप पर आपको इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं भी मिलती है तो अमेज़ोन पर तो है ही, आप इजीली ले सकते हैं। और एक बॉक्स भी इसका नहीं लगने वाला, 20 रुपीज़ की जो आप लेंगे वो भी इसमें पूरी नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर आपकी हाफ ही लगेगी, दूसरे प्रोजेक्ट में फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ये होना चाहिए कि आप उसको मिक्स करके ना रखें, दोनों पार्ट जब तक अलग रखे रहेंगे तब तक वो सूखेगा नहीं। और नहीं तो सिर्फ इसका टाइम 20 मिनट्स का ही होता है, जैसे ही आप उसको मिक्स करके रख देते हैं तो 20 मिनट के बाद वो हार्ड हो जाता है, वो किसी भी यूज़ का नहीं रहता है। जो आपकी बचती है उसको पैक करके अलग अलग ही उसको सेफ रख दीजिए, कभी भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ, नाइफ़ से यहाँ पर इसके ऊपर लीफ का लाइट लाइट सा पैटर्न डालेंगे। आपके पास किचन का नाइफ़ हो वो भी ले सकते हैं, आपके पास टूथपिक हो उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि तो अभी ये करके इसको थोड़ी देर के लिए हम सूखने के लिए रख देंगे, ताकि हम दूसरे के ऊपर काम कर सकें। क्योंकि सारा काम एक साथ करेंगे इसके ऊपर तो ख़राब हो सकता है दूसरे पर, क्योंकि छोटा साइज़ है। तो अभी हम सांता के ऊपर काम कर लेते हैं। यहाँ पर भी टेक्सचर डालने के लिए या तो नाइफ़ का यूज़ कर लेंगे, या फिर आपके पास टूथपिक का हो टूथपिक का यूज़ कर लेंगे।
अब मैं यहाँ पर कोनिंग वर्क करूँगी। कोनिंग वर्क करने के लिए आपके पास 3D आउटलाइनर हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कलर कोई भी हो चल जाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिर बाद में कलर तो करना ही है। नहीं तो आपके पास मार्बल डस्ट और फेविकोल हो, क्योंकि मैं यहाँ पर मार्बल डस्ट और फेविकोल का कोन बनाकर ही यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास कोई भी मटेरियल हो या फिर आपके पास सिर्फ फेविकोल भी हो, फेविकोल को इस तरह से कोन बना के इस तरह से जिगजैग यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक लेयर जब सूख जाए उसके बाद दूसरी लेयर जब सूख जाए उसके बाद तीसरी लेयर यहाँ पर करनी है, तो पूरा पैटर्न निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जब सूखी तो उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, तो इसी तरीके से वो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बाल ही हैं। जैसे ही हमारा कोनिंग वर्क सूख गया, यहाँ पर कलर करने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। एक्रेलिक कलर्स का ही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो स्किन कलर बनाने के लिए आप रेड, येलो और वाइट कलर को मिक्स करके ये कलर बना सकते हैं। नहीं तो मार्केट में ये रेडीमेड कलर भी आता है स्किन कलर का, आप बोलोगे तो आपको कलर मिल जाएगा। नहीं तो अगर क्योंकि हर जगह पर यूज़ नहीं होता है, तो आप ये तीनों कलर को मिक्स करके बना सकते हैं। आपको थोड़ी डाउन शेड चाहिए यहाँ पर तो लाइट शेड ही चाहिए, अगर थोड़ा और डार्क चाहिए तो उसमें हल्का सा ब्लैक भी मिला सकते हैं, जैसे कि कोई सांवला कलर होता है उसके लिए। तो वो मैं आपको अलग वीडियो बनाकर वो सब भी बता दूंगी कैसे किस तरह से स्किन के कलर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो टोपी बना रहे हैं उसमें यहाँ पर वाइट कलर ही चलने वाला है सिर्फ, क्योंकि वाइट और रेड कलर की ही होती है। अभी यहाँ पर मैंने पहले वाइट कलर करना स्टार्ट कर दिया है। वाइट कलर के ऊपर हम यहाँ पर ब्लू का हल्का शेड देंगे। वाइट में मैंने ब्लू कलर को मिक्स किया और हल्का शेड दे दिया, क्योंकि एकदम वाइट नहीं होता है, वो जो हमने काम किया है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर टेक्सचर भी दिया है तो उसी डायरेक्शन में मैं कलर कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नोट करने वाली होती हैं, जिन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने अब फिर नीचे भी इस कलर को देना है, तो वो जो हमने वर्क किया है वो हाईलाइट तभी होगा जब उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कलर, तो ये पूरा ओरिजिनल लुक देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा कलर शेडिंग जो चल रहा है वो आप इंजॉय कीजिए, तभी आपको कि शेडिंग किस किस तरह से दी गई है वो सारा कुछ मैं बताती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं डार्क येल्लो कलर मैंने लिया है, डार्क येल्लो कलर करके इसमें शेडिंग दे देंगे। तो पूरा वीडियो को देखेंगे तो समझ आपको आ जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को हम किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। इतना क्ले वर्क भी नहीं किया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा।
यहाँ पर मैंने ब्लैक में ब्राउन कलर को मिक्स किया है, थोड़ा शेड दिया है, तो हर चीज़ को यहाँ पर जैसे मैंने बाल दिखाने हैं, ईयर्स दिखाने हैं, तो बिल्कुल ब्लैक कलर ना करके ब्लैक और ब्लू को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कीजिए और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर एक डायरी का कवर ले रही हूँ जो कि बहुत ही हार्ड है, तो ये मैंने यहाँ पर लिया है बेस के लिए और ये शादी का कार्ड है, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। इसका फ्लावर का जो ये पैटर्न है मुझे बहुत ही पसंद आया, तो इसलिए मैंने कोई ना तो कार्डबोर्ड तैयार किया, तो मैंने ये एक डायरी का कवर लिया, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट इसी को पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सुंदर ये कलर है, इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर फेविकोल मैंने लगा लिया है और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और इसको हैंग करने के लिए इसमें अंदर की तरफ बीच में धागा डाल सकते हैं। और अब ये मैं स्पार्कल शीट ले रही हूँ ब्लू कलर की और इसको खूबसूरत दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर पतली पतली स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और यहाँ पर इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा के मैं पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैं पूरी बाउंड्री करने वाली हूँ ब्लू कलर से, तो जैसे मैंने इस तरफ से किया है तो चारों तरफ ही हम ये लगा कर तैयार कर लेंगे। अब लगाएंगे हम क्रिसमस ट्री। इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने स्पार्कल शीट मुझे बहुत अच्छी लगी स्पार्कल शीट ये, तो इसी को मैंने कटिंग करके यहाँ पर लगा लिया है और सारी चीज़ों को अब हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मेरा भी मन होता है वीडियो बनाने का। तो ये देखिए हमारा पीस तैयार है, आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।